भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह और विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच का मन मुटाव अब सामने आने लगा है। इशारे इशारे में उन्होंने समझाइश देते हुए कहा कि सांसद का काम विधायक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सांसद साध्वी प्रज्ञा और विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच खटपट चल रही है। दोनों के बीच का मन मुटाव अब सार्वजनिक मंच से सामने आया है, जब बैरागढ़ के एक कार्यक्रम में शामिल होने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहुंची तो यह तल्खी सामने आ गई। सांसद विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल का उद्घाटन करने से नाराज हैं। साध्वी रेलवे उपभोक्ता समिति के सदस्य पर भी जमकर बरसी। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना उनको चाटुकार कहा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, सांसद का काम विधायक कर रहे हैं, मेरा सांसद होना व्यर्थ है। फालतू का वार्तालाप मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ रेलवे कि मैं स्थायी समिति की मेंबर हूं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी का नाम प्रस्तावित करूं और मैं किसी का ये काम को बता भी सकूं, आगे भी बढ़ा सकूं और जो भी हमारे कर्तव्य हैं यहां से लेकर के दिल्ली तक मैं उनको पूर्ण कर सकूं। लेकिन मैं आपको आज पुनः कहती हूं कि आपके बीच में ही रेलवे के जेड आर यू सी सी के मेंबर जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, चाटुकार का भरपूर करते हैं, मुझे नाम लेने में भी बिल्कुल संकोच नहीं है, परंतु आपको पता है कि कौन है मेंबर। मैं आज कहूंगी कि आप अपने बीच में से कोई मेंबर चुनिए और उस व्यक्ति का नाम मैं जेड आर यू सी सी के लिए भेजूंगी, क्योंकि जो नाम आपने यहाँ से भेजा गया है वो सिर्फ चाटुकारिता करता है और उसने भोपाल की बदनामी की है। अपने कर्तव्य से विमुख होकर, अपने कर्तव्य से हटकर जो कार्य किए हैं उसकी मैं आपको रिपोर्टिंग दे सकती हूँ। सांसद का काम है विधायक का लिखा जा रहा है, सांसद का काम है विधायक उद्घाटन कर रहा है, कौन करवा रहा है, पेपर में भी करवाया जा रहा है जेड आर यू सी सी के मेंबर के द्वारा, प्रचार भी करवाया जा रहा है, धमकी भी दी जा रही है, सरकारी लोगों को धमकी भी दी जा रही है, अधिकारियों को धमकी भी दी जा रही है। वो लोग हमारे से शिकायत करते हैं, ऊपर शिकायत करते हैं, सांसद होना व्यर्थ है, मैंने पिछली बार भी कहा था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।